सो है व्हाट्स अप योर फैमिली, दिस इज अंकित। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, फिट होगे। सो गाइस, आज डॉक्टर चॉइस का आइसो प्रो, एक ऐसा ब्रांड जो कि आज की डेट में काफी फेमस है, एक ऐसा प्रोटीन जो कई यूट्यूब सेलिब्रिटीज द्वारा प्रमोट किया गया है। सो गाइस, आज वैसे मैं कोई यूट्यूब सेलिब्रिटी नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके लिए इस प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाला हूँ। ये बॉक्स है गाइस 450 ग्राम का, टोटल 15 सर्विंग का ये बॉक्स है। Amazon पर इसका प्राइस 1800 रुपये है। आई नो कि ये एक्सपेंसिव है गाइस, एक तो वे प्रोटीन के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं और आइसोलेट प्रोटीन पूछो ही मत। सो इसीलिए मैंने थोड़ा जो सबसे सस्ता वेरिएंट था इसका, यानी कि 450 ग्राम का बॉक्स मैंने वो खरीदा। तुम लोग को रिव्यू देने के लिए इतना पैसा बर्बाद होता है मैं क्या बताऊँ। और साथ ही साथ मैंने इसकी लैब रिपोर्ट भी अरेंज करवाई है, जिसका मैं आपको बाद में बताऊँगा रिजल्ट क्या आया था। सो गाइस, इस प्रोडक्ट के साथ क्या फ़ायदे मुझे मिले, इस प्रोडक्ट के साथ क्या नुकसान मुझे देखने को मिला, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को खुद यूज़ किया है। कम से कम 10 दिन मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ और अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपको बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं। बाय द वे, ये वीडियो ना ही डॉक्टर चॉइस को प्रमोट करने के लिए है और ना ही डॉक्टर चॉइस को खराब बताने के लिए या उसको उसकी मार्केटिंग खराब करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए बना है ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है ये डिसाइड करने में आसानी हो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि आज के आज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई देता हूँ, अदरवाइज उन डाउट्स पर वीडियो बनाता हूँ। सो गाइस, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। इसकी जो फ्रंट पेज जो लेबलिंग है उसमें 26 ग्राम प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCA, 4 ग्राम ग्लूटामिन, 12 ग्राम EAA एंड 0 ग्राम शुगर लिखी है पर सर्विंग। इसकी सर्विंग साइज है गाइस 31 ग्राम की और जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये फ्लेवर है गाइस चॉको फ्यूज। अब सीधे बात करते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी की, इसके रिजल्ट की। तो मैं सीधे सीधे आपके सामने डॉक्टर चॉइस का ही शेकर रखूंगा क्योंकि वो मुझे इसी के साथ मिला था और आपको इसकी मिक्सिबिलिटी इसी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा बिना कट लिए। तो गाइस, मैंने इसे 10 दिन यूज़ किया और सच कह रहा हूँ, मुझे ये प्रोटीन काफ़ी अच्छा लगा। इसमें जो ज़ीरो शुगर क्लेम की गई है गाइस, वाकई में इसमें ज़ीरो शुगर ही है। मैंने पहला ऐसा प्रोटीन यूज़ किया जिसमें फ्लेवर चॉकलेट का बहुत हल्का है, ये वाकई में पता चलता है कि एक आइसोलेट प्रोटीन है। और ज़ीरो शुगर बहुत नाम का मीठापन है यार, कि आपको लगेगा सिर्फ आपने बहुत हल्का सा कुछ पिया है और ये सिर्फ 10-15 मिनट के बाद पता भी नहीं चलता कि ये पेट में गया भी था या नहीं। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है वो आपको अब पता चलेगी। एक प्रॉपर स्कूप है ये, आपने देख लिया इसी के सामने, आपके सामने मैंने इसे बस निकाला है, ये मैंने डाला। अप्रॉक्स 300 ml पानी है ये, शेकर छोटा है 500 ml का है पर मुझे बहुत पसंद आया। टाइम फॉर रॉक। प्रॉब्लम है इसके साथ इसकी मिक्सिबिलिटी नहीं, सॉरी ये अगर आप देख सकते हैं तो 300 ml पानी। शिट, आपको पता है अभी भी क्या हुआ, बॉक्स गिर गया, भैया मेरी जान ले लेंगे। और आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ तक का, जी हाँ यहाँ तक का प्रोटीन है और उतना ही आधा 50% इसमें फ्रॉथ है। कोई भी इतना ज़्यादा फ्रॉथ नहीं पी पाएगा, कुछ कुछ को तो वॉमिटिंग भी हो सकती है, इवन मुझे भी स्टार्टिंग में दिक्कत हुई। तो मैं फिर भी आपको इसकी मिक्सिबिलिटी आपके सामने दिखा दी है, सॉरी इसको यहीं सामने रखता हूँ। एक ट्रांसपेरेंट शेकर लाया हूँ मैं अलग से, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा पीता हूँ, बट अगर आप इसको पलट लोगे तो आपको एक प्रॉपर शेक मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे आराम से पिया जा सकता है, वाह बहुत अच्छा टेस्ट है। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है, ये फ्रॉथ। बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रॉथ की वजह से गैस बनती है, प्रोटीन में फ्रॉथ ज़्यादा नहीं बनना चाहिए और इसमें थोड़ा ज़्यादा ही बन रहा है। तो प्रॉब्लम क्या इसके साथ हुई मुझे गाइस, गैस की कोई शिकायत नहीं हुई मुझे। टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूँगा, एक रुपया नहीं मिला मुझे डॉक्टर चॉइस की तरफ से। गैस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, प्योर आइसोलेट है गाइस, इसलिए कोई भी डाइजेशन का इशू नहीं हुआ। बट हाँ, फ्रॉथ की वजह से पीने में तो दिक्कत आती है और मुझे ये पता है कि कोई भी 2 शेकर नहीं लेकर जाएगा जिम में, आई नो। सो आई होप कि अगर डॉक्टर चॉइस अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बाय द वे, इसकी जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसमें 84% प्रोटीन पाया गया है। तो ये अपने जो लेबल है उसको तो एकदम अच्छे से सेटिस्फाइड कर रहा है।
बट इसकी फ्रॉथ वाली जो प्रॉब्लम है इसे दूर करें। रिजल्ट अच्छा है इस प्रोटीन का, डाइजेशन बहुत अच्छा है इस प्रोटीन का, बट इसकी जो फ्रॉथ वाली प्रॉब्लम है वही एक दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पैसा, अगर आप आइसोलेट के पीछे पागल हो और आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का आइसोलेट चाहिए तो आप इस प्रोटीन के साथ जा सकते हो, बट अगर आपका बजट टाइट है तो आई एम सॉरी, ये प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, आई होप कि इसके अलावा कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।